नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग विलंबित एकताल और विलंबित लय के बारे में बात करने वाले हैं। अब सबसे पहले शुरू करते हैं कि बड़ा ख्याल क्या होता है एंड छोटा ख्याल क्या होता है। अब ख्याल का मतलब तो विचार होता है, ये सब लोगों को मालूम है। एक राग में जो बंदिश होती है, जो बंदिश हम लोग पेश करते हैं, उसके दो टाइप्स होते हैं, छोटा ख्याल एंड बड़ा ख्याल। तो इससे पहले हम लोगों ने छोटे ख्याल तो बहुत देखे हैं, हमारे चैनल पे बहुत सारे छोटे ख्याल के नोटेशंस भी है। अब जैसे एक सिंपल सा अगर मैं छोटा ख्याल आपको बोलूं तो दुर्गा में हम लोग एक ख्याल पेश करता हूँ, सारे साधा। अब एक बंदिश लेते हैं, धागे त्रक दिन दिन धागे त्रक तू ना कत्तिन धागे त्रक दिन ना 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ये मात्रा जो मैं काउंट कर रहा हूँ, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्यों आपको वीडियो के लेटर सेक्शन में पता चलेगा। तो शुरू करते हैं, धागे त्रक दिन छेड़त नंद लाला, छेड़त नंद लाला कासे बावरी में बाला छेड़त नंदला, आला छेड़त नंदला, आला छेड़त मपद पद मपद सर पमर मपद पद सर रे म रे म म म प ध रे सा ध स ध प म म म र स म प ध रे सा ध स ध प म म म र स म प ध स ध प म र प म म ध म ध दिन दिन धागे त्रक तू ना कत्तिन धागे त्रक दिन ना दिन दिन धागे त्रक तू ना कत्तिन धागे त्रक दिन ना। अब ये लय में प्रैक्टिस करना और ये लय में बंदिश गाना इसका मैं आदत है, बराबर। बट द थिंग इज विलंबित में मुझे क्यों गाना है, विलंबित यानी कि एकदम स्लो। जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ ना, धिन धिन धागे त्रक तू ना कत्तिन धागे त्रक धिन ना, अब इसके बदले में अगर मैं बहुत छोटा बोलू धिन धिन धागे त्रक तू ना कत तिन धागे, अगर मैं ऐसे बोलूं तो इतने स्लो, अगर मैं ताल का टेम्पो रखूं तो क्या होने वाला है। तो इसको हम लोग विलंबित एकताल कहा जाता है। अब लय के तीन गत होते हैं, एक होते हैं विलंबित, मध्य और फिर द्रुत। अब ये जो मैंने अभी गाया है ये मध्य लय में है। द्रुत लय में अगर आपको गाना है तो और ये टेम्पो बढ़ेगा, एक 200 के ऊपर अगर मैंने टेम्पो रखा तो ये द्रुत लय होगी। अगर ये अभी जैसे कभी ये गाना कत्तिन धागे त्रक दिन ना दिन दिन धागे त्रक तू ना कत्तिन धागे त्रक दिन, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, छेड़त नंदलाला छेड़त नंदलाला कासे जाओ नीर भरन कासे जाओ नीर भरन बावरी में बाला छेड़त नंदलाला छेड़त नंदलाला सासन नंद गारी देत सासन नंद गारी देत अखियन में आंसू झरत अखियन में आंसू झरत हासत ब्रिज बाला छेड़त नंदला आला कासे जाबो नीर भरन कासे जाबो नीर भरन बावरी में बाला बावरी में बाला छेड़त नंदला आला छेड़त
आया ना मजा। तो बंदिश की लय अगर द्रुत हो जाए तो बहुत मजा आता है गाने में। हाँ बट ये गाना बहुत डिफिकल्ट होता है, सांस लगने की प्रॉब्लम होती है इसमें, तो ये गाना डिफिकल्ट होता है। गाने में मजा आता है डेफिनेटली, सुनने वालों को ज्यादा मजा आता है एज कम्पेयर टू गाने वाले। एनीवेज तो ये 220 का टेम्पो मैंने अभी रखा था, एक बार वापस इसको सुनते हैं, बिकॉज आज हम लोग तीनों लय के बारे में पहले बात करने वाले हैं। हम लोग डायरेक्ट अगर विलंबित समझे तो विलंबित नहीं समझेगा, तो पहले मध्य लय क्या होती है, द्रुत लय क्या होती है, और फिर विलंबित के बारे में हम लोग बात करने वाले। तो ये द्रुत लय है, दिन दिन धागे त्रक तू ना कट दिन धागे त्रक दिन 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 धागे त्रक तू ना कट दिन धागे त्रक दिन ना दिन दिन धागे त्रक तू ना कट दिन धागे त्रक दिन ना दिन दिन धागे त्रक तू ना कट दिन धागे त्रक दिन। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह। और इससे पहले मैंने जो लय रखी थी वो मध्य लय थी, अराउंड 160 टेम्पो अगर मैं रखता हूँ तो यहां पर ये अगर मैं 160 रखूं, धागे त्रक धागे त्रक दिन 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 धागे त्रक तू ना कट दिन धागे त्रक दिन 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 धागे त्रक तू ना कट दिन धागे त्रक दिन 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 धागे त्रक तू ना। काउंटिंग देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये काउंटिंग माय डियर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हम लोग जो विलंबित शुरू करने वाले तो यही काउंटिंग है जो आपको हेल्प करने वाला है। अब द्रुत लय समझे हम लोगों ने, मध्य लय समझे, विलंबित एकदम अति विलंबित या विलंबित लय के बारे में बात करते हैं। अब यहाँ पर काउंटिंग कैसे शुरू करते हैं उसके बारे में पहले बात करते हैं। तो पहले सुनते हैं एंड फिर आप लोग काउंट समझेगा आपको क्या है। अब यहाँ पर होता है ऐसे बेटा कि हर एक मात्रा होती है ना, हर एक मात्रा को हम लोग 4 बीट्स का, मतलब हर एक मात्रा को, वैसे 12 बीट्स होते हैं ना, तो एक बीट को हम लोग चार 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 के इंटरवल्स में हम लोग गाते हैं। यानी कि धिन धिन धागे तीर कीट तू ना कत तिंग धागे तीर कीट धिन ना। कितना स्लो है समझ में आ रहा है? तो जो 12 मात्रा थे, हर एक मात्रा को हम लोगों ने चार 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 का इंटरवल दिया है, चार चार बीट्स हम लोगों ने गाए, तो 12 4 इट बिकेम 48, तो वो 48 मात्रा हो गए। तो वैसे देखा जाए तो 48 मात्रा नहीं है, तो 12 ही मात्रा, बट हम लोगों ने बहुत देर तक धिन धिन धागे त्रक या धिन धिन धागे तिरकिट, त्रक का मतलब तिरकिट, तो धिन धिन धागे तिरकिट इसके बदले में धिन धिन धागे तीर कीट धिन धिन धागे त्रिकिट धिन धिन धागे त्रिकिट धिन धिन धागे त्रिकिट धिन धिन धागे तीर कीट। समझ में आ रहे? तो लय कैसे हम लोग स्लोली स्लोली डिक्रीज करते जा रहे। चलिए एक बार इस ताल को समझते हैं, इस ताल को सुनते हैं। अच्छा ये वीडियो काफी मुझे बहुत लंबा नहीं करना है वीडियो, तो हम लोग एक 10-10 मिनट्स के वीडियोस हम लोग करने वाले हैं, बट इसके पार्ट्स होने वाले, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3, बिकॉज एक ही वीडियो में अगर मैं पूरा बताऊं तो नहीं चलेगा। तो आज हम लोग विलंबित एकताल समझने वाले हैं, फिर विलंबित एकताल का इंपॉर्टेंस भी हमें देखना है नेक्स्ट वीडियो में, कि विलंबित एकताल क्यों गाया जाता है। अगर मेरे पास ये बंदिश, अच्छा ये जो टेम्पो मैंने आपको बताया अभी छेड़ा नंदन लाला के लिए, तो ये भी टेम्पो अच्छा है ना, तो विलंबित में क्यों गाना है मुझे, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ सिंगिंग इन विलंबित लय, इन दैट लय को कुछ तो रहेगा डेफिनेटली, इतना ब्यूटीफुल हमारा क्लासिकल म्यूजिक है, तो व्हाट इज द ब्यूटी ऑफ दैट विलंबित। चलिए एक बार ताल सुनते हैं ताकि आपको सब समझे। धागे तीर कीट तू ना कत ता, ये तीन बोल सकते हैं, धागे तीर कीट
अब धागे जनरली नहीं बजाते, धा धक्त धागे ऐसा बजाते हैं। तो ठीक है, बजाने के लिए तो कुछ भी बजा सकते हैं, तो इंपॉर्टेंट इज धागे। चार बीट्स मुझे सुनाई देने चाहिए। अब अलग अलग जो तबला प्लेयर्स होते हैं वो अलग अलग अपने हिसाब से कुछ यहाँ पर मुखड़ा वगैरह बजाते हैं डेफिनेटली, और वो बहुत सुंदर, उसको ताल भरना बोलते हैं। तो ताल में किस प्रकार से भरता हो, तो धागे इसके बदले में धा धक्त धागे तीर कीट ऐसे बजाते हैं। तो ये पूरा ताल ही एक्चुअली भरा जाता है, वो डिपेंड करता है कि तबला प्लेयर कैसे है, उन पर डिपेंड करता है। तो हम लोग एक बेसिक एक ताल हम लोग समझने वाले, ठीक है, एक बार वापस समझते हैं हम लोग, बिकॉज इस वीडियो में हमें वही समझना है कि विलंबित लय क्या है। आपको समझ में आ रहा है कितनी कम ये लय है, धिन धिन धागे तरक, ये तो कितनी फास्ट है, धिन धिन धागे तिरकिट तू ना कत तिन धागे तिरकिट धिन ना, धिन धिन धागे तिरकिट तू ना कत तिन धागे तिरकिट धिन ना, धिन धिन धागे तिरकिट तू ना कत तिन धागे तिरकिट धिन। अब ये लय कितनी स्लो है बेटा, तो ये जो 160 टेम्पो था ना, 160, तो 160 का आधा मतलब कितना हो गया 80, का आधा 40 और 40 का आधा 20, तो ये वो लय है। समय 1/4 तो 160, ये 160 है देखो, तो ये 160, अब 160 का हाफ कितना हो गया 80 का हाफ 40 और 40 का हाफ 20, तो इतनी कम ये लय है। धिन धिन धा धक्त धागे तीर कीट तू ना 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 काउंट कैसे करने का, तो मैं आपको सिंपल एक टेक्निक देता हूं। देखो आपको चार गाना है ना, धिन धिन ऐसे गाना है ना आपको, तो शुरुआत में आपको बहुत प्रॉब्लम आने वाला है कि इस लय को इस ताल को कैसे पकड़ना है। तो क्या करने का, जो पहली मात्रा है धिन उसको बोलने का, आगे बोलने का दो तीन चार, दो तीन चार, दो तीन चार, ठीक है, मैं आपको बताता हूं। धिन दो तीन चार, धिन दो तीन चार, धा गे तीर कीट तू दोन तीन चार, ना दो तीन चार, तत दो तीन चार, ता दो तीन चार, धा 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 ती र की त धिन से एक बंदिश हम लोग राग कामोद में गाते हैं, तो यहां पर जैसे एक बंदिश है आज सखी प्रीतमा जो मैं पाऊं भाग
ये इतने स्लो बंदिश गाने का प्रोविजन क्या है, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले। सबसे पहले बंदिश शुरू कैसे करेगा, विलंबित अंतराल की जो कोई भी बंदिश होती है वो लास्ट मात्रा बेटा शुरू होती है, लास्ट के जो चार मात्रा है ना, मतलब बारहवीं मात्रा, बारहवीं मात्रा चार बारह, मतलब आज सखी आज सखी आज सखी, लास्ट के चार मात्रा, तो बारहवीं मात्रा पे बंदिश शुरू होती है। कभी आप उसको ग्यारहवीं मात्रा से भी ले सकते हैं, बट आपको फिर थोड़ा खींचना पड़ेगा, आज सखी तो ऐसा आप उसको खींच भी सकते हैं, जनरली जो बंदिश होती है वो बारहवीं मात्रा से शुरू होती है। तो मैं आपको दिखा दूंगा कि बारहवीं मात्रा कैसे पकड़ना है, वो जो धीन होता है ना, धीन दो तीन चार आज सखी, यहां पर पकड़ना रहता है, तो मैं आपको दिखा दूंगा, चलिए धीन दो तीन चार धीन, दूसरी मात्रा धागे, ग्यारहवीं मात्रा दिन, ग्यारहवीं मात्रा शुरू, मास्टर होने के बाद अब थोड़ा वेरिएशन करके भी गा सकते हैं, कभी कभी तीन बार हम लोग गा सकते हैं, जैसे कि मैं आपको बताता हूं, बट ये बेसिक पहले समझते हैं कि ये स्ट्रक्चर क्या होता है। एंड माय डियर्स, मुझे मालूम है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे मतलब संगीत सीखने वाले, तो मैं बोलूंगा बहुत ज्यादा मात्रा में स्टूडेंट्स इससे डरते हैं इस ताल को, या उनको ये बहुत बोरिंग चीज लगती है, बट बिलीव मी इट इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड बहुत ब्यूटीफुल। एक बार आपको समझे इसको कैसे गाना है तो इट इज वेरी ब्यूटीफुल, बिकॉज यहाँ पर आप जितना हो सके उतना राग को पेश कर सकते हो सामने, जैसे फूलों का बगीचा होता है ना, वैसे हम लोग एक एक स्वर को पेश करते हैं, ये बहुत सुंदर है। जस्ट इसको प्रॉपर तरीके से सीखना पड़ेगा आपको, तो ये हम लोग वीडियोज की सीरीज करने वाले हैं जिसमें मैं आपको ईच एंड एवरीथिंग डिटेल में पढ़ाऊंगा। नेक्स्ट लेक्चर हम लोग एक सिंपल से ख्याल से हम लोग शुरू करेंगे, जो कि भूप का ख्याल रहेगा, तो भूप एकदम सिंपल राग है, वैसे मतलब वैसे तो बहुत डिफिकल्ट राग है, बट शुरुआत के स्टेज में गाने के लिए भूप राग इज सिंपल, तो भूप राग से हम लोग बड़ा ख्याल शुरू करने वाले हैं। एंड फिर हम लोग देखेंगे कैसे इसमें आलापी करनी है, ताना करनी है, वो भी सब बताऊंगा, बट पहले आलाप ताना तो बाद में होने वाला है, पहले वो लाइन कैसी गानी है पूरी वो मैं आपको समझाऊंगा कि बारह मात्रा में कैसी लाइन रहती है। जैसे देखो यहाँ पर देखो, जैसे हम लोग ने गाया था, छेड़त नंद लाला मम रस ध प म रे प म पद प ध,
अब ये एक तल के 12 मात्रा है ना बराबर, म प द स ध प म रे प म प द प ध म प द स ध प म रे प म प द प ध सॉरी सा ध ध सा सा रे म रे मा म सा ध ध सा सा रे म रे मा म प द रे सा ध स ध प म म रे सा म म ध रे सा ध स ध प म म रे सा दिन दिन दगे त्रिक तू ना तत्तिन दगे नग दिन म म द स ध प म रे प म प द प ध आ इस प्रकार से गाना है। अब ये जो एक ताल में जैसे आप लोगों ने बंदिश गाई कि हर एक मात्रा का अकाउंट है मेरे पास, किस मात्रा पे कौन सा स्वर है, वैसे ही बड़ा फिल्म में होता है। और शुरुआत के समय आपको मास्टर करना पड़ता है, एक बार ताल आपके बॉडी में आ जाए फिर आप लोग, जैसे मैंने अभी गाया था ना कि जब मैंने थर्ड टाइम आगे से गया तो मैंने थोड़ा वेरिएशन के साथ गाया कर सकते हो डेफिनेटली, पर उसके लिए ये जो ताल है ये ताल पूरे बॉडी में जाना चाहिए। तो जब तक ये ताल नहीं जाता है तब तक तो आपको वही सेम टू सेम गाना पड़ेगा। ओके, इसलिए अच्छा इसलिए बच्चों को फिर कंटाला आता है, बोलते हैं अरे इतना गाना है, ये भी गाना है, वो भी गाना है, बड़ा ख्याल जैसी चीज नहीं है। तो एक एक वीडियो में हम लोग अभी समझते हैं कि बड़ा ख्याल क्या होता है। थैंक यू।